नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही अकेले में देखिएगा। क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों का जो आपका समय होगा, दोस्तों ग्रहों की स्थिति के अनुसार और ईश्वर के संकेत के अनुसार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय रहने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो जानकारी आपको देने वाले हैं, दोस्तों इनके बारे में आप किसी दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी मत सुनाइएगा। क्योंकि दोस्तों आप यह बात जानते हैं कि जब भी आपके जीवनकाल में खुशी का माहौल आया है, अगर वह बात किसी और को पता चली है तो दोस्तों कोई ना कोई सी संकट आपके जीवनकाल में जरूर ही आती है। तो दोस्तों ऐसे में हम आपको पहले ही सतर्क करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम जो जानकारी देने वाले हैं, जो बात आपको बताने वाले हैं, दोस्तों किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यूँ कहें तो आज के वीडियो को सुनने के बाद दोस्तों आप अपने मुंह पर ताला लगा लीजिएगा कि यह बात हमें किसी को भी नहीं कहना है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों ग्रहों के गोचर में हमेशा परिवर्तन होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे अचानक से परिवर्तन बहुत ही कम लोगों की कुंडली पर होते हैं। जी दोस्तों, बड़े ही अच्छे किस्मत वाले और अच्छे कर्म करने वाले लोगों को ही ईश्वर ऐसे संकेत देते हैं और ऐसे ग्रहों की स्थिति भी उनकी बनती है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है, दोस्तों यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। परंतु दोस्तों, यश में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जी दोस्तों, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है, जिन्हें आपको बहुत ही विस्तार तरीके से समझाने वाले हैं, जिन्हें दोस्तों सुन लेंगे तो दोस्तों आने वाले भविष्य में आपके जीवन काल में कोई भी ऐसी बाधा खड़ी नहीं होगी जिनके कारण आपको कोई परेशानी हो, ना ही आपके जीवन काल में कोई ऐसा संकट आएगा जिनसे आप बिल्कुल ही झकझोर हो जाए। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही भगवान का वरदान है। जी दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल के थोड़ा सा महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन काल में आने वाले जो भी पल होंगे खुशियों से भरा रहेगा, जीवन काल में तरक्की से भरा हुआ समय रहेगा। जी दोस्तों, पसरते अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप वीडियो में बताई गई बातों को सही तरीके से समझते हैं या फिर नहीं। जय दोस्तों, बिना समय लिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिख दें। महाबली हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और संकट आपके जीवन काल में दस्तक देने से पहले महाबली हनुमान जी दूर कर देंगे। जय दोस्तों, आप सभी को बता दी कि सनातन धर्म में सभी देव देवताओं में से भगवान हनुमान जी एक ऐसी देवता है जो कि हर भक्तों की लाज सही वक्त पर रख लेते हैं। जी दोस्तों, जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं, दोस्तों उनके जीवन काल में महाबली हनुमान जी कभी भी कोई संकट समस्याएं और बाधाएं आने नहीं देती। जी दोस्तों, बस हनुमान जी कहते हैं कि हमेशा हम पर विश्वास रखना, तुम्हारे जीवन काल में जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, वह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। जी दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी जो भी हमारे लिए करते हैं दोस्तों, हमारे लिए बुरे नहीं होते, वो हमें बाद में जाकर पता चलती है कि यह चीज़ भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। जी दोस्तों, तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि अब आपको आने वाले 5 दिनों के अंदर कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि आने वाले समय में आप कोई भी मुसीबत में ना पड़े। और साथ ही बात करेंगे कि 5 दिनों में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अब अपने जीवन काल में आप कुछ गलतियों को भूल से भी ना कीजिएगा। कि दोस्तों ऐसे ही कुछ गलतियाँ होती हैं जो कि आप चाहकर भी नहीं करना चाहते, लेकिन दोस्तों फिर भी अनजाने में यह गलती हो जाती है या फिर किसी के झांसे में आकर, किसी के आड़े में आकर आप यह नादानी कर बैठते हैं। जी दोस्तों, यह बात आप जानते हैं कि पिछले समय अंतराल में आपके जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और पिछले कुछ ही समय से आपके जीवन काल में ऐसी समस्याएं आने लगी है जिससे दोस्तों आपको लगता है इनसे उभरना हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन सा होता है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि
कि अब आपको सतर्क होना है, उन गलतियों को करने से बचना है जो कि आपने पिछले शुभ अंतराल में कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, इन बातों को गौर कीजिएगा कि दोस्तों अगर आप बातों की जड़ तक नहीं जाएंगे तो दोस्तों कोई भी समस्याओं का आपको समाधान मिल नहीं सकता। जी दोस्तों, इस बात को बिल्कुल ही आप कान में बैठा कर रख लीजिए कि दोस्तों पिछले समय में कौन से कार्यों में आपको असफलता की प्राप्ति हुई, कौन से कार्यों से आपको नुकसान हुआ है और किन चीज़ों को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के आप शिकार हो गए हैं, बहुत ही चिंता आपके अंदर आ गई है। दोस्तों उन सभी चीज़ों को बारीकी से देखिए, कौन से कार्य आपके जन्मकाल के लिए सही है, कौन से कार्य आपके लिए गलत है, इन सभी चीज़ों पर अब आपको छानबीन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। क्यों दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले जो समय में आपको बहुत ही अच्छी ग्रहों की स्थिति बनी है, जो ग्रहों के फल मिलने वाले हैं वर्ष में, अगर आप दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों आने वाली खुशियां भी आपके द्वार से लौट सकती है। माँ लक्ष्मी कहती है कि जो भी हमें इज्जत करेगा हम उनके साथ रहेंगे, और जो भी अपने जीवन में लापरवाही करेगा, धन को वह गलत जगह पर करेगा, जिन चीजों में खर्च नहीं होना भी चाहिए वैसे जगहों पर खर्च करेगा, तो दोस्तों माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास ज्यादा दिन तक नहीं रुकती है। जी दोस्तों, माँ लक्ष्मी जो भी मेहनत करते हैं उनके जीवन काल में रहना पसंद करती है। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन काल के उन सभी गलतियों पर छानबीन कीजिए जो कि दोस्तों पिछले शिव अंतराल में आपके साथ हुआ है। चाहे दोस्तों वह गलत संगत भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी बुरे लोगों के साथ रहकर कुछ गलत कार्य कर बैठे हैं जिनसे आपको अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ रहा है। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ही आप अपने जीवन से निकाल दें। दोस्तों जिन लोगों के साथ रहने से आपको तकलीफ होती है, समस्याएं होती है, दोस्तों उनके सामने मुंह मीठा बिल्कुल भी मत बनिए। आज से ही अपने जीवनकाल से ऐसे व्यक्तियों को निकाल दीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि आप बहुत ही शरीफ इंसान हैं, बहुत ही दिल के साफ इंसान हैं। दोस्तों कोई भी इंसान आपको कुछ कह दे तो दोस्तों आप ना नहीं कह पाते हैं। ये दोस्तों आपकी यही अच्छी आदत आपके जीवनकाल के लिए बहुत सारी गड्ढी उत्पन्न कर देते हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि जो भी अगला व्यक्ति होता है वह जानता है कि यह बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत ही मासूमियत इंसान है, यह हमें ना नहीं करेगा। और दोस्तों इसी मासूमियत, इसी भोलेपन का वह व्यक्ति फायदा उठाता है और अपना काम निकाल कर आपको गड्ढे में ही छोड़ देता है। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है कि जिन चीज़ों पर आपको लगे कि यह कार्य हमें नहीं करना है, तो दोस्तों मुंह पर ही आपको व्यक्ति को ना बोल देना है। जो दोस्तों अब आपको अपने जीवनकाल में ये सब कदम उठाना बहुत ही जरूरी हो गया कि दोस्तों आप जानते हैं कि सबके सामने अच्छे बन बन के आप बहुत कुछ नुकसान उठा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज के इस दौर में उसी इंसान की वैल्यू होती है, उसी इंसान को ज़्यादा लोग पूछते हैं जो समय के साथ आगे बढ़ते गए हैं। जी दोस्तों, जो लोग समय के साथ अपने रिश्तेदारों को निभाने में, अपने आस पड़ोस की दोस्ती को निभाने में लग जाते हैं और उनके साथ अच्छे बनने के लिए वह बहुत कुछ करने लगते हैं उनके प्रति और वह उसी जगह पर रह जाते हैं, तो दोस्तों आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो समय है उनका कदर नहीं करता। जी दोस्तों, और इसीलिए आपको अब अपने जीवनकाल में इन मासूमियत, इन भोलेपन को छोड़ना होगा और अपने जीवनकाल को भी कुछ समय देना होगा। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि आपने अपने जीवनकाल में बहुत सारी ऐसी गलतियां की है। दोस्तों आपने ऐसी अपने जीवनकाल में बहुत सारी नादानियां की है जिनकी वजह से आपका स्तर धीरे धीरे वहीं पर रह गया है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपका वक्त अब आने वाला है, अब आपको संभलना होगा, अब आपको फिर से उसी छलांग के साथ ऊपर उड़ना होगा। क्या दोस्तों आपको बता दें कि भगवान कभी भी अपने भक्त को नीचे नहीं रखना चाहते। दोस्तों वो तो उनका कर्म होता है, दोस्तों वह जैसा कर्म करते हैं भगवान को भी उन्हें वैसा ही फल देना पड़ता है। क्यों दोस्तों, भगवान हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो वह हमेशा ऊंचाइयों को छुए, हमेशा वह तरक्की के मार्ग पर चले। ये दोस्तों, और वह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म करते हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों समय के साथ खुद को बदलना जीवन की सबसे अच्छी आदत है। जी दोस्तों, जैसा मौसम है वैसा खुद को बनाना आपको सीखना होगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 5 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में खुशियों की अब बाढ़ आने वाली है। कि दोस्तों आपको बता दें कि गुरु और चंद्रमा की जो स्थिति है आपकी कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है।
साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ पर शनि की दृष्टि हो तो दोस्तों ऐसे में उनका जीवन तो सोने पे सुहागा जैसी हो जाती है। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में शनि की भी दृष्टि आपके लाभ भाव में दिख रही है, जिनके कारण दोस्तों आने वाली 5 दिनों तक आपके जीवन काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो कि दोस्तों आने वाला जो पूरा जीवन होगा वह पूरी तरह बदल देगा। तो दोस्तों ऐसे में अब आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा जो दोस्तों पीछे बताए हैं। दोस्तों अगर आप उन बातों को नहीं सुन पाए हैं तो दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से उन सभी बातों को सुन लीजिएगा कि दोस्तों आने वाले 5 दिनों से आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदलने वाले शब्द होंगे। आपको बता दें कि आपकी कुंडली में जो ये योग बने हैं दोस्तों जीवन काल में आपको अचानक से बड़ी बड़ी खुशियां देने वाली है। धन से जुड़े क्षेत्र को लेकर आपको बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई समय से आपकी जीवन काल में धन से जुड़ी बहुत ही ज्यादा समस्याएं चल रही है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों में अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका आने वाला समय बिल्कुल ही बदल जाएगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों ये शनि की दृष्टि आपके जीवन काल पे होगी और गुरु चंद्र की जो स्थिति है भगवान के द्वारा दिया गया वरदान है जिन्हें आपको बिल्कुल ही सही तरीके से यूज करना है। आपको बता दें कि दोस्तों आने वाले 5 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में लाभ के मौके खुलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर जो भी समस्या आपकी जीवन काल में चल रही है दोस्तों उनमें धीरे धीरे सुधार होते जाएंगे, लेकिन दोस्तों लापरवाही बिल्कुल ना रखें। अगर स्वास्थ्य में किसी चीज़ का चेकअप करवाना हो, दवाई लेना हो या फिर किसी प्रकार की ऐसी चीज जिनमें आपको शंका दिख रही हो, इस पर दोस्तों सख्त नजर रखना है और तुरंत ही इन पर आपको कार्रवाई करनी है, तभी दोस्तों आप जीवन काल में आने वाले समय बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ बनती जा रही है, अगर आप इनमें कदम नहीं उठाएंगे तो दोस्तों ये आपकी गलती हो जाएगी। जी दोस्तों तो हमारा इन सभी एडवाइस को, इन सभी सजेशन को बिल्कुल ही आप मानिएगा और जीवन काल में कोई भी लापरवाही बिल्कुल ना करें। जी दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि अगर आप किसी कार्य में कार्यान्वित हैं तो दोस्तों इसमें आपको पदोन्नति मिल सकती है। आपके घर के माहौल में बहुत ही अच्छी स्थितियाँ बनने वाली है, घर के माहौल बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार के रहने वाले हैं। जीवन काल में अच्छी स्थिति आने वाली है, जीवन में आपको सकारात्मक ऊर्जाएं मिलने वाली है, हर कार्य को करने के लिए आपको जो है अंदर जोश की प्राप्ति होने वाली है। जो लोग यश में बेरोजगार हैं उनको कार्य करने के मौके मिल सकते हैं, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल ही उन पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ईश्वर का स्मरण कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले समय में आप हमेशा नित्य हनुमान जी के मंदिर में आप हमेशा लड्डू का भोग लगाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही दोस्तों आपको हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर पान का बीड़ा चढ़ाना है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान सुनिएगा, दोस्तों जीवन काल के 7 पुष्टों का भी पाप खत्म कर देता है यह पान का बीड़ा। तो दोस्तों जीवन काल में जरूर ही इन उपायों को आजमाइएगा। दोस्तों आपका अच्छा जिंदगी आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।